जिंदगी भर की मेहनत से कमाई पूंजी से बनाए गए घर में जब सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए प्रशासन का ही मुंह ताकना पड़े तब क्या गुजरती है घर वालों पर, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला लाडवा के धनाढ्य लोगों की कही जाने वाली कॉलोनी सत्यम एनक्लेव में। यहां पर न पानी की सुविधा है, न सड़क की, न हालत ठीक है और न ही सीवरेज की सुविधा है। अगर देखा जाए तो कभी लाडवा के सत्यम एनक्लेव में घर बनाना लाडवा के लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन अब ये कॉलोनी राजनीति से ग्रस्त है। गहरे भ्रष्टाचार के चलते इस कॉलोनी में समस्याओं के अंबार लगे हैं और यहाँ ना तो पीने के पानी की सुविधा है, ना ही सीवरेज की दशा ठीक है। सीवरेज लाइन जगह जगह से टूटी पड़ी है जिसमें से गंदा पानी हर वक्त बहते रहता है जो नित नई बीमारी को जन्म दे रहा है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिन पर चलना दुभर हो रहा है। समस्याओं से तंग आए यहाँ के लोगों ने कॉलोनी के गेट पर एक बड़ा सा बैनर लगाकर अपना रोष प्रकट किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी नेता यहाँ वोट मांगने ना आ जाए। जगह जगह समस्याओं की गुहार लगा चुके यहाँ के लोगों ने स्थानीय विधायक के साथ साथ नगरपालिका प्रधान पर भी मिलीभगत और राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि लोगों ने रजिस्ट्री के साथ साथ नक्शा भी पास करवा रखा है और कुछ तो हाउस टैक्स भी अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। नगरपालिका ने कॉलोनाइजर द्वारा 1 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है। इस विषय पर स्थानीय विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने राज्य से बाहर होने के कारण फोन पर बताया कि उनके नाम को बेवजह घसीटा जा रहा है, जबकि उन्होंने लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को सत्यम एनक्लेव की समस्याओं को सुधारने के सख्त निर्देश दे दिए हैं और शीघ्र ही उन पर काम शुरू हो जाएगा। आरोपों को निराधार बताते हुए नगरपालिका प्रधान साक्षी खुराना ने कहा कि उनके पास शिकायतें आई हैं क्योंकि ये कॉलोनी टीपी स्कीम के अंदर बनी है जिसके चलते नियमों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। इस कॉलोनी का 1 करोड़ अभी बकाया है, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने समय रहते कॉलोनाइजर पर बकाया राशि के भुगतान का दबाव बनाते हुए इसके निर्माण पर रोक लगाई, क्योंकि ये कॉलोनी टीपी स्कीम के अंदर बनी है जिसके चलते नियमों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। इस कॉलोनी का 1 करोड़ अभी बकाया है, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। आम आदमी की जिंदगी के साथ जो है ना, वो हमारे प्रधान जी MLA साहब मिलके खिलवाड़ कर रहे हैं। जो यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखा जा रहा हम लोगों को, जो कि हर इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है। सड़कें हैं, इतनी बढ़िया कॉलोनी है, इतनी कॉस्ट के रेट है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं बढ़िया, और सड़कें यहाँ पे है ही नहीं, टूटी हुई सड़कें आप देख सकते हो, मेरे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। तो आपके सामने है सड़कें, और हमने इस बारे में MLA साहब से, डॉक्टर साहब से संपर्क किया, नगर पालिका प्रधान मैडम साक्षी खुराना से भी संपर्क किया। वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारी कॉलोनी में से रास्ता चाह रहे हैं जिसके द्वारा अपना मॉनिटरी बेनिफिट भी कर सकें और शहर के मान लो वार्ड नंबर 4 को सुविधा दे सकें। हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, हमने उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला वोट ना देने का फैसला किया। पी स्कीम के तहत है सत्यम कॉलोनी, मैंने इसके कॉलोनाइजर को बोल दिया गया है कि जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए। अगर वो भुगतान नहीं करते तो मैंने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द इसको इसकी कार्रवाई की जाए, जिसलिए हमने डायरेक्टर ऑफिस पंचकुला में इनको लिख दिया गया है कि जो भी जनहित को देखते हुए जो भी मेरे से बनेगा इन लोगों के लिए जल्द से जल्द मैं उसमें सहयोग करूँगी। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ कॉलोनी में? सर, मैम, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की समस्या है सबसे बड़ी बात, दूसरी हमारी सड़कों की समस्या और सीवरेज की पानी की समस्या। सीवरेज चारों तरफ से हमारी लीक है, कहीं भी जोड़ी नहीं गई है, और पानी जमे जो मिलना चाहिए डिपार्टमेंट से वो नहीं मिल पा रहा है। सब हमने अपने समस्या करा के अपना पानी ले रहे हैं, उस पानी में भी हमें स्मेल आ रही है, बदबू आती है, और वैसे बीमारी का डर बना रहता है। और जो सड़कें हैं वो इतनी ज़्यादा खस्ता हालत में हो चुकी हैं, आगे आ जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उससे गिर जाते हैं, खेल नहीं पाते, खेलने के लिए मिल पाती है। इसलिए वो हमारी मौलिक सुविधाएं के लिए नहीं मिल पा रही, तो हम किस वजह से। तो आपने इसकी कंप्लेंट की कल? इसकी कंप्लेंट के लिए हम कई बार नगर पालिका प्रधान से भी मिले हैं, विधायक साहब के पास मिले, उनका दरबार लगा था, वहाँ पर भी विधायक जी से मिले थे, पर विधायक जी ने हमें मतलब रिस्पॉन्स अच्छा दिया, उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, उसके बाद सुविधा इस तरह की मिल नहीं पाई। कई बार रहने के बाद भी जब हम थक गए बैठ गए हैं,